हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो प्रोजेक्ट है एक्सटीरियर डेलाइट रेंडरिंग का, इसका हम लोग इस वीडियो में मॉडलिंग करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट का। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक्सटीरियर का जो ये जो व्यू है इसका हम लोग ने मॉडलिंग कैसे किया था। साथ ही मैं आपको बताऊँगा दोस्तों कि हमें क्लाइंट से क्या इनपुट मिला था। जैसे मैंने ये उनका लेआउट प्लान है, ठीक है। तो क्लाइंट ने हमने जस्ट एक फ़ोटो खींच कर हमें भेज दिया था जिसके ऊपर हमें उनको एक एक्सटीरियर व्यू उनको देना था, जो रेंडर उन्होंने देना था। तो इस इमेज को लेके हमने एक ऑटोकैड प्लान भी बनाया हुआ है जो कि ये है। तो ये प्लान हम लोगों ने क्लाइंट को दिखा दिया है एंड उनका अप्रूवल लेने के बाद ही हमने काम स्टार्ट किया। जैसे आप प्लान में देख सकते हो, टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ये अगेन टॉप व्यू का फ्रंट पोर्शन है, ये फ्रंट व्यू। तो हमने ऑटोकैड प्लान बना लिया था मॉडलिंग के लिए। तो फिर इसका हम लोगों ने कैसे मॉडलिंग किया वो मैं आपको मैक्स में करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है एंड इसका अभी हम लोग मॉडलिंग करेंगे। तो मैक्स फाइल मैंने ये ओपन कर लिया है, यहाँ पर जाता हूँ मैं एंड इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट, ठीक है। ऑटोकैड फाइल में यहाँ पर मैक्स में कॉल कर लेता हूँ, ओके। तो जब भी कोई भी फाइल हम लोग मैक्स में लाएंगे सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका जो मेज़रमेंट है वो सही आया है या नहीं। जी प्रेस कर लेता हूँ मैं एंड ग्रिड हटा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं ऑटोकैड प्लान में देखूँ तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं जो मेरा बालकनी एरिया है फ्रंट पोर्शन में, वो आपका दोनों पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 फिट है। तभी मैं मैक्स में चेक करता हूँ कि ये प्रॉपर जो इंपोर्ट किया है वो प्रॉपर आया है या नहीं आया है। तो मैं बॉक्स ले लेता हूँ एंड यहाँ से स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ एंड स्नैपिंग में राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग वर्टेक्स ले लेंगे ताकि वर्टेक्स वो स्नैप करें। बंद कर देता हूँ, ओके। यहाँ से हमने बॉक्स ले लिया है एंड अभी ये पिलर है, ठीक है, ये पिलर एंड ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया मेरा 5 फिट, ठीक है, 5 फुट के एरिया है। मतलब कि जो हमने इंपोर्ट किया है वो प्रॉपर आया है क्योंकि हमने ऑटोकैड में प्रॉपर डायमेंशन से बनाया है, इस वजह से इंपोर्ट करने से भी वो प्रॉपर आया है, ठीक है। तो जल्दी से इसका हम मॉडलिंग स्टार्ट कर देते हैं। आप मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले इन सबको ग्रुप कर लेता हूँ मैं, क्लिक ग्रुप के लिए पहले मैं देख लेता हूँ कौन से लेयर में है। डिफ़ॉल्ट में ग्रुप जा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। राइट नॉट राइट क्लिक ग्रुप, ग्रुप रेफरेंस एंड एक चीज़ और नोटिस करना, ये हमारा जो ओरिजिन है उससे काफ़ी दूर है। तो इसको ओरिजिन में ले आता हूँ मैं जल्दी से, यहाँ ले आता हूँ, जी प्रेस करके ग्रीन हटा देता हूँ एंड अब हम लोग मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। एक नया लेयर ले लेता हूँ, वहाँ क्लिक करूँगा एंड देन क्रिएट न्यू लेयर मेस, ओके ओके। दोस्तों काफ़ी कोई जो वॉल्स है जो मॉडलिंग है वो लाइन से बनाना चाहते हैं, बनाना पसंद करते हैं। मैं बॉक्स से बनाना पसंद करता हूँ। तो मैं आपको अभी अपना ही टेक्निक बताता हूँ। बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ से ग्रिड ऑन कर लूँगा, स्नैपिंग ऑन कर लूँगा, ओके। मुझे पूरा व्यू देखना है, ठीक है, ठीक है। फोर का हाइट, अभी हाइट कितना मैं लूँगा तो उसके लिए हम लोग ऑटो कैट में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जो प्लिंथ लेवल देखेंगे वो 2 फिट है, उसके ऊपर 10 फिट का पूरा रूम का हाइट है एंड जो मैं रूफ है वो 3 फिट का बाउंड्री है, यानी टोटल देखा जाए तो 15 फिट है। तो यहाँ पर अभी हम इसका हाइट कुछ 15 फिट दे देंगे, ऑलराइट, बस हो गया। एंड अभी इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। एटीबल पॉली 2 प्रेस कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, कनेक्ट, मुझे यहाँ से वॉल चाहिए और यहाँ से वॉल चाहिए, यानी 1, 2 और 3, ऑलराइट। टॉप में आ जाता हूँ मैं, स्पेस बार,
ऑल्ट के साथ, यानी स्पेस बार, ऑल्ट के साथ स्पेस बार, परस्पेक्टिव जेड, ओके, फोर प्रेस करता हूँ, फ्रंट पोर्शन यहाँ से ले लेता हूँ, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, ठीक है, बस यहाँ से एक्सट्रूड करते करते जाइए, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, यहाँ से राइट क्लिक, एक्सट्रूड, यहाँ पर देखोगे दोस्तों हमने यहाँ पर वॉल के लिए जगह बनाया था, ये पूरा एरिया कवर होने वाला था, बट फिर क्लाइंट ने कहा कि ये कवर नहीं करेंगे, यहाँ से पिलर आएगा एंड ये ओपन एरिया रहेगा पार्किंग के लिए, तो इसलिए हम लोग इस एरिया को ओपन रखेंगे, यहाँ से पिलर्स आएंगे एंड वॉल आपको यहाँ से बनेगा, अगेन राइट क्लिक, एक्सट्रूड, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, यहां से नहीं लूंगा मैं, यहां से ले लेता हूं, ओके, चलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। एंड अभी सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज, मेरा बेस जो मेरा प्लिंथ लेवल है जिसके ऊपर मेरा फ्लोर आएगा, तो वो बनाने के लिए हम लोग इसको हाइट कर लेते हैं या फिर मैं अपना इसको आइसोलेट कर लेता हूँ, ठीक है, टॉप व्यू में आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर ये मैं अपना लाइन टूल देता हूँ इसके लिए, ग्रिड ऑन कर लेता हूँ, ओके, क्लिक क्लिक क्लिक, स्नैपिंग ऑन है एंड यहाँ से हम लोग एक सेकेंड यहाँ से हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर, क्लिक क्लिक क्लिक, यस क्लोज, परस्पेक्टिव जेड, यहाँ से मैं बोलता हूँ एक्सट्रूड, कितना करना है 2 फिट, कि 2 फिट में प्लिंथ लेवल है, जो ये मेरा प्लिंथ लेवल है, बेस जो है वो 2 फिट है, इसलिए मैं इसको 2 फिट रखूँगा, ठीक है, आइसोलेशन मोड से वापस आ जाता हूँ, तो कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि वो पता चले, ओके, एंड इसी का एक कॉपी करूँगा शिफ्ट के साथ में, जो मैं रूफ का बेस बनेगा कॉपी, इसका नाम मैं रूफ दे देता हूँ, ये कुछ 6 इंचेस का रहेगा, क्योंकि ये दिखने नहीं वाला है तो मैं अपने अंदाज से इसको जस्ट ऐसे यहाँ रख लेता हूँ, ओके, बेस आ गया, रूफ आ गया, वॉल आ गया, नाउ जो डोर का, अभी यहाँ पर डोर एंड विंडो बनाएंगे, ठीक है, तो मैं ये और ये इसको आइसोलेट कर लेता हूँ मैं, इसको लेके एक्सरे विजन ऑल्ट एक्स से एक नया आईटीओ पॉली लेता हूँ,
कितना चाहिए मुझे? टोटल 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट इसको मूव कर दीजिए, मैं टॉप व्यू से आ जाता हूँ। शिफ्ट के साथ हटा दिया, सॉरी ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ डिसलेक्ट, यहाँ पे आता हूँ, ऑल्ट डिसलेक्ट, ऑल्ट डिसलेक्ट, स्पेस बार ले लेता हूँ, ऑल्ट डिसलेक्ट, स्पेस बार, डिसलेक्ट, स्पेस बार, ओके, पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसको लेके यहाँ पर रिंग कर देता हूँ, राइट क्लिक, कनेक्ट, एक ले लेता हूँ, ये ऊपर का हाइट रहेगा, एंड राइट क्लिक, रिंग, कनेक्ट, ओके, ये विंडो का नीचे का हाइट रहेगा, ऑल टाइप्स, ओके। अब इसके मेजरमेंट के लिए मुझे एक बॉक्स लेना होगा, ओके। पहले विंडो ब्रांच से पहले मैं सामने का ये जो मेरा एरिया है बालकनी वो बना लेता हूँ, दो फिट का है ये, दो फिट, ओके। नाउ इसके ऊपर से मेरा डोर और विंडो का हाइट मैं एडजस्ट करूँगा, बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ से ऑटो ग्रिड ऑन कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर ये बने और मुझे मेजरमेंट मिले, थोड़ा संतुल कर लेता हूँ इसे। यहाँ से मैं इसका हाइट बोलता हूँ मुझे चाहिए 3 फिट, एक कॉपी कर लेता हूँ, इसका हाइट बोलता हूँ 7 फिट, राइट। वापस इधर आ जाता हूँ, 2 प्रेस करता हूँ, सिलेक्टेड है, ऊपर लेके आऊँगा, ठीक है 3 फिट, डबल क्लिक करेंगे हम, यहीं से नीचे लेके आएंगे, ये 7 फिट, ओके। डिलीट डिलीट, ओके। एक और एटीए पर लेता हूँ, 1 2 3 4 डोर, विंडो विंडो विंडो, सेम विंडो विंडो विंडो, डोर, राइट। मैं यहाँ पर आऊँगा, जस्ट क्लिक ऑन ब्रिज, इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। विंडो बन गया मेरा, डोर बन गया, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ये बच गया हमें स्टेयरकेस, अभी हम लोग स्टेयरकेस बनाएंगे, ठीक है।